वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम होली की तैयारी शुरुआत करते हैं नए वीडियो के साथ। और आज हम बताएंगे अपने होली की तैयारी। मेरे घर में स्टार्ट हो गया है। आज हम अच्छे अच्छे रेसिपी बनाएंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज हम गुजिया, नमकीन, काला जामुन सारे चीज़ बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे मेरे ब्लॉग्स को। और देखना स्टार्ट हो जाइए कि किस तरह से घर पे बनाते हैं। तो मैं कुछ कुछ टिप्स शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये ठेकुआ जिसको बिहारी यूपी में बोलते हैं, उसको हम लोग खसली बोलते हैं। तो उसको कैसे बनाते हैं वही आज हम बताने वाले हैं ब्लॉग्स में। हम एक ग्लास यहाँ पे हम एक ग्लास पानी डाल दिए थे चीनी की चाशनी बनाने के लिए। और इस तरह से पानी उबल गया है, इसको बंद कर देंगे। और इसमें हम ना खजली बनाने के लिए, जिसको ठेकुआ बोलते हैं, खजली बोलते हैं, नमकीन भी बोल सकते हैं, उसमें हम चीनी डालेंगे। मतलब जितना, अगर आधा केजी मैदा होगा तो एक पौवा तक इसमें चीनी डाल लेंगे। और इस तरह से खजली बनाने के लिए चीनी को हल्का पिघला लेंगे ताकि वो चीनी कचकच नहीं करे खजली में। इसलिए हम लोग हल्का एक टिप्स बता रहे हैं कि इस तरह से चीनी अगर डालेंगे खजली बनाने में तो काफ़ी अच्छा होगा। हम इसमें एक ग्लास पानी डाले थे और मतलब क्वांटिटी अनुसार, क्योंकि हम आधा केजी मैदा का खजली बनाएंगे तो एक पौवा चीनी डाल के हल्का पिघला लेंगे और तब मैदा में सानेंगे इसको। तो एक पौवा तो नहीं है, इतना चीनी लेंगे। इसको हल्का आंच में बस चीनी को गला लेना है, ऐसे खड़ा चीनी ना कचकच करता है खजली वगैरह में, ना कटकट काढ़ा भी हो जाने का चांस रहता है। ऐसे इस तरीके से आप घर पे खजली बनाएंगे ना हल्का चीनी को पिघला कर, तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खासा टाइप का ये खजली होगा। तो होली की तैयारी हम इस तरह से करेंगे और आप लोग के साथ ब्लॉग्स में शेयर करेंगे। कि देख सकते हैं चीनी बिल्कुल पिघल चुका है और इसको हम गैस में को बंद कर देंगे और इसी चीनी के चाशनी से मैदा को सानेंगे ताकि अलग से पानी नहीं लेंगे और ये मीठा भी हो जाएगा खजली और कुरकुरा भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप खजली बनाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसको ठेकुआ या नमकीन भी कहते हैं। तो ये मीठा नमकीन होगा। तो अब हम घर में डब्बे वाले जो काला जामुन आते हैं ना पैकेट वाले, उसका आज हम काला जामुन बनाएंगे। क्योंकि मेरा एक रेसिपी गया हुआ है काला जामुन का कि घर पे खोआ से बनाए थे, आज हम बाहर से डब्बे मंगा के और घर पे काला जामुन बनाएंगे और इस तरह होली सेलिब्रेट करेंगे। तो हम इधर चीनी के चाशनी रख डाल दिए हैं काला जामुन बनाने के लिए और एक इलायची कूट के डाल दिए हैं। और इस तरह से चाशनी पहले बना लेंगे, उसके बाद जो पैकेट वाले आते हैं काला जामुन उसको हम दूध में मिल्ट करके और उसको गोल गोल पार के सब बनाएंगे। तो देखते रहिए किस तरह से फिर काला जामुन बनता है। तो इस तरह हम चीनी का चाशनी कर लेंगे, एक इलायची कूट के डाल दिए, इसको जब तक चटचटा सा नहीं हो जाए ऐसे हाथ पे रख के देख लेंगे, उसके बाद चाशनी को बंद कर देंगे। आराम से खजली बना रहे हैं बैठ के, सारे चीज पहले मिला लेंगे, खजली का, निमकी का, रसगुल्ला, उसके बाद जाएंगे चांदी। तो मैदा ले लिए हैं हम आधा केजी और इसमें हल्का रिफाइंड डाल लिए हैं। तो रिफाइंड से क्या होता है ना, मोम इसको बोल सकते हैं, तो खासा होता है। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, अगर आप घर पर खजली बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड डालें, जिसको मोम भी करते हैं, तो खासा होगा। और थोड़ा सा इसमें हम सूजी मिला लेंगे और इस तरह से खजली बनाएंगे मैदा सूजी का। तो आधा, मतलब एक पौवा से कुछ कम ये सूजी मिला देंगे इसमें। रिफाइंड मैदा सूजी और थोड़ा सा नारियल का बुरादा मिला देंगे, जिससे खजली और टेस्टी और बहुत ही अच्छा लगेगा। डाल लेंगे और ये नारियल का बुरादा है मेरे पास, तो हम ये खजली मिला देते हैं हल्का, अब भी डालेंगे ज़्यादा नहीं। नारियल का बुरादा डाल लेंगे
उसको अच्छे से ऐसे से मेल्ट कर लेंगे 2 मिनट तक, और उसके बाद जो हम चीनी का चाशनी बनाए थे सबसे पहले वो मिला के सान लेंगे ताकि मीठा भी हो जाएगा और चीनी कुछ भी नहीं करेगा। इस तरह से गर्म है, हल्का सा आराम से मिल कर लेंगे। चाहे तो खोआ भी मिला देंगे, खोआ से और टेस्टी होता है खजूरी। खजली के लिए मिला लिए हैं मैदा मिक्स कर लिए, और अब हम इधर तैयार करके रख लिए खजली के लिए सान के। और हम काला जामुन बनाएंगे, तो काला जामुन का ये डब्बा लाए थे और इसको बालू निकाल लेंगे, जितना बनाना होगा जितना पीस बनाना होगा उसी अनुसार। खोआ ही मेवा ही बोल सकते हैं, तो काला जामुन रहता है बनाने के लिए, पैकेट वाला मिलता है, बस लाओ और दूध के साथ छान लेंगे जितना मतलब हो सके। इसमें सारा सॉफ्ट सोडा वोडा डाला रहता है, तो उसको फिर मिलाना है और छान लेना है अच्छे से। इसको मिलाने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा तो फिर अच्छे से पक नहीं पाता है, और आराम से मिलाएंगे। इस तरह से हम काला जामुन के भी मिला लिए हैं, आप देख सकते हैं। जिसको नहीं भी आएगा वो काला जामुन घर पे आराम से ये डब्बा वाला ला के, गुलाब जामुन का पैकेट मिलता है होली में, और आराम से ये ऐसे दूध के साथ हम मिला लिए थे, और देखिए बिल्कुल मिल चुका है। और इसको आराम से ऐसे गोल गोल बांट के, अपना साइज जितना काला जामुन का साइज होता है उतना ऐसे करके, और इस तरह से रिफाइन या घी में छान लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं काला जामुन का साइज होता है, बस इसको छान लेंगे और इस तरह से हम मिला लिए। अब चलते हैं छानने के लिए, सारा चीज मेरा खजली नमकीन तैयार है, अब बस छानना है। इस तरह से काला जामुन मिला लिए हैं पैकेट वाला, और इस तरह से गोल गोल पाउडर काला जामुन के साइज से आसानी पास रखेंगे, उसके बाद रिफाइन में एक भी छान लेंगे। अब हम निमकी की तैयारी करेंगे। खजली बन गया, खजली के मिक्स मिला लिए मैदा और का, और हम निमकी बनाएंगे। हाँ, इस तरह से इतना मैदा लेंगे, नमकीन हमको अच्छा लगता है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। और इतना मैदा इसमें रिफाइंड डाल दिए हैं, हल्का मोम जितना ही खास करेगा उतना ही सही रहता है, और थोड़ा सा अजवाइन खाने वाला और नमक, ये दोनों डाल के इसमें मिला देंगे। मार्बल को पोस लिए थे, और इस तरह से बिल्कुल पतले में बेल लेंगे और सब कट करेंगे। सबसे पहले एक बार निमकी छान लेते हैं, देख सकता हूँ ना उसे इस तरह से चक्कू से, तेल वाली चक्कू से कट कर लेंगे। इधर मेरा कढ़ाई में हल्का आँच में, धीमी आँच में पक रहा है, तब तक हम इधर नमकीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेले हैं और सारा चीज बनाना है, तो एक साथ 2-3 काम हो रहा है और हो भी जा रहा है। अब हम काला जामुन छानेंगे, कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिए हैं, रिफाइंड डाल दिए हैं। अब काला जामुन इस तरह से बना लिए हैं एक एक करके, अब इसको छान देंगे रिफाइंड में। उसके बाद चीनी का चाशनी किया हुआ है उसमें भी बो देंगे।
तेल मेरा गर्म हो चुका है, अब इसमें काला रंग डाल दूँ। इसको धीमी आंच में पकाएंगे। कढ़ाई को बिल्कुल धीमी आंच में रख के और इस तरह से काला जामुन को देखिए छान लेंगे, हल्का सा पका लेंगे, ब्राउन होने देंगे। इस तरह से देखिए काला जामुन पक रहा है और इस तरह से देख सकते हैं काला जामुन बिल्कुल ओरिजिनल जैसा लग रहा है। और इसको इस वाले छन्नी से छान के निकालेंगे, चाशनी में सारे बार डाल देंगे, अच्छे से छान लेंगे। इस तरह से देखिए रख लेंगे छान के सारे पीस को, फिर नेक्स्ट वाले डाल देंगे। इस तरह से हो गया है काला जामुन, निकाल लेंगे छान के। हो गया है तो हम एक साथ सब काम कर रहे हैं, इधर खस्ते भी निकाल लेंगे, छानी हो गया है देख सकते हैं, और इधर रख लेंगे जो खस्ते वाले मैदा की खजली था उसको इधर इस तरह से छान लिए, देख सकते हैं खजली मेरा बिल्कुल तैयार तल गया है। इधर फूल का चाशनी कर लिए थे देख सकते हैं, इसमें हम एक इलायची भूख के डाल दिए थे, चाशनी बिल्कुल तैयार। इस काला जामुन भी छान के रख लिए थे, अब एक एक भिगो के और इसको आधा घंटा के लिए भिगो के छोड़ देंगे। देख लेंगे तभी डालेंगे, शुरू में ही हम चाशनी बना के रख लिए थे। ये मैं हूँ, इधर मेरी चूड़ा फ्राई हो रही है बादाम के साथ, और इधर खजली भी बन गई है, इधर काला जामुन भी बन गई है, और इधर होली की तैयारी हो रही है। हैप्पी होली। मेरा आज से होली का तैयारी स्टार्ट है और मेरा खजली, नमकीन, काला जामुन और प्रिकिया, ये सारे चीज बना है। प्रिकिया भी शेयर नहीं किया है बट क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, हो सके तो हम शाम तक बनाएंगे तो शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। तो इस तरह से हम लोग के होली हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी अभी हम लॉकडाउन में अभी हम लोग घर नहीं गए हैं, और यहाँ नोएडा में ही हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मेरा सारा रेसिपी बन के तैयार है, इधर खजली भी और इधर नमकीन और इधर काला जामुन और खजली, और इस तरह से हम होली का तैयारी किए हैं। सो आप लोग देख सकते हैं, मेहनत किए आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करेंगे, तो आप मेरे ये ब्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक दूसरे से शेयर करिएगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और हाँ, कल भी मेरा ब्लॉग जाएगा, वो कल बड़ी बसका का, जैसे हम लोग के यहाँ 3 दिन तक बनते रहता है, तो कल चक्का बचका जो बनता है ना, वो आप लोग के साथ करी वाली वो सब शेयर करेंगे, और उसके थर्ड होली वाले दिन भी शेयर करेंगे। तो इस तरह से अभी रेसिपी वाले ब्लॉग्स जाते रहेंगे, तो आई होप आप लोग इन्जॉय करिए ब्लॉग्स को, और इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई करिए बनाकर, और कैसा बनेगा इस तरह से बनाने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो वाइंड अप करते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।